कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होना चाहिए। भिंड में लोगों को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं किया गया है, केवल 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया है, जबकि हमने कहा था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी कमलनाथ सरकार की कई योजनाओं पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने किसानों की पूरी तरह से कर्ज माफी न होने पर राहुल गांधी को जनता से माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भोपाल में कहा था, हम राज्य में किसानों से किया कर्ज माफी का वादा पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज माफी में कितना समय लगेगा, उससे उन किसानों के बीच अच्छा संदेश जाएगा जो नाराज हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।